तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब और स्वागत है आप सबका फिर से हमारे YouTube चैनल पे। तो बस अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत सारे जर्नी वीडियोस देखे होंगे, जैसे कि इंडियन हो गया या फिर रशियन हो गया। तो बस आज हम एक और फॉरेन रूट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो बस आज अभी हम इंडोनेशियन रूट को मतलब एक्सप्लोर करने वाले हैं गाइस, और बहुत ही बढ़िया रूट है गाइस। आप इसको वन ऑफ द बेस्ट रूट इन ट्रेन कह सकते हो गाइस। इतना मस्त और इतना हाई ग्राफिक रूट आपको फ्री में गाइस, एकदम बढ़िया एकदम रूट है। और आज की हमारी ये जर्नी होने वाली है तेजस एक्सप्रेस में, और इन लीड है WDP 4B भगत की कोटी, और ये देख सकते हो लोकोमोटिव, और ये हमारी तेजस एक्सप्रेस। और हमारे साइड में एक गुड्स ट्रेन खड़ी है, जो कि शायद साइडिंग के लिए खड़ी है वो ट्रेन। लेकिन हमको गाइस अभी सिग्नल मिल जाएगा थोड़े ही देर में। और ये एरियल व्यू आप देख सकते हो गाइस स्टेशन का, कितना ऑसम ये स्टेशन है गाइस, और बहुत ही बढ़िया रूट है गाइस। सही में बोल रहा हूँ, इतना मतलब हाई ग्राफिक रूट है और बहुत ही बढ़िया एकदम मस्त एकदम सिंगल लाइन रूट है गाइस, और एकदम बहुत ही मज़ा आएगा गाइस आपको खेलने के लिए। और अगर आपको ये रूट डाउनलोड करनी है तो गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पर जाके गाइस आप रूट को ज़रूर से डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल हमारा टाइम हो गया है गाइस डिपार्चर करने का, तो अभी हम हॉर्न बजा के कर लेते हैं यहाँ पर से डिपार्चर। तो गाइस अभी ये फॉरेन रूट होने के कारण मुझे तो पता नहीं गाइस कि हम अभी कौन से स्टेशन पर है, तो स्टेशन से गाइस हमको क्या लेना देना, हम रूट को एंजॉय करेंगे, रूट को एक्सप्लोर करेंगे। और इतना बढ़िया रूट है ना गाइस, सही में बोल रहा हूँ। आप ये गेम प्ले को देख लेना पूरा, और फिर आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बता देना गाइस ये आपको रूट कैसा लगा। और गाइस इतने कर्व आपको देखने मिलने वाले हैं ना ये रूट पर, आप सही में ये पूरा गेम प्ले देख लेना गाइस, मस्त से एकदम रिलैक्स हो जाना, कान में ईयरफोन्स डाल लेना, हेडफोन्स डाल लेना, मस्त एकदम रिलैक्स से बैठ जाना गाइस एक जगह पर, और मस्त यहाँ हमारी वर्चुअल जर्नी को एंजॉय कर लेना गाइस। अभी बहुत सारे आपको यहाँ पर कर्व और बहुत पहाड़ों के बीच में से हमारी ये तेजस एक्सप्रेस जाने वाली है गाइस, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, और ये ज़रूर आप गेम प्ले एंजॉय करना गाइस। और आपने अगर एंजॉय किया होगा तो ज़रूर एक लाइक भी कर देना, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना गाइस। और यहाँ पर से आप देख सकते हो हमारी तेजस एक्सप्रेस यहाँ पर से डिपार्चर हो रही है, और ये सीन देख सकते हो गाइस कितना ऑसम सीन लग रहा है। ऊपर मस्त एकदम घने बादल, और हमारी तेजस एक्सप्रेस यहाँ पर से डिपार्चर करती हुई, एकदम बढ़िया सीन यहाँ पर। और गाइस यहाँ पर अभी इंडियन रेलवेज में ऑलमोस्ट 3 से 4 तेजस एक्सप्रेस रन होते हैं गाइस, और पहले जो होती थी सबसे फर्स्ट जो तेजस एक्सप्रेस स्टार्ट हुई थी वो हुई थी गाइस कोंकण लाइन पर, कोंकण रूट पर, जो कि मुंबई CSMT से लेके करमाली तलक जो रूट है गाइस कोंकण रूट, तो वहाँ पर जो पहली तेजस एक्सप्रेस थी वो शुरू हुई थी CSMT करमाली तेजस एक्सप्रेस। और उसके बाद से गाइस बहुत सारे चेन्नई मादुरई हो गया, या फिर ये हमारे अहमदाबाद हो गए, मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद तेजस एक्सप्रेस, तो अभी बहुत मतलब 2-3 एक्स्ट्रा तेजस एक्सप्रेस आ चुके हैं गाइस इंडियन रेलवेज में सर्व करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हम ट्रैक चेंज कर रहे हैं हमारी ये तेजस एक्सप्रेस, इंडोनेशियन तेजस एक्सप्रेस हम कह सकते हैं गाइस इसको, चूँकि इंडोनेशियन रूट पर ये रन कर रही है। और ये देख सकते हो गाइस यहाँ पर सीन मस्त एकदम बाजू में हाईवे जैसा रोड है, और उसके बाजू से हमारी तेजस एक्सप्रेस आगे बढ़ रही है धीरे धीरे, और ये देख सकते हो। और गाइस आपको ये ट्रैक साउंड कैसा लगा ये भी ज़रूर कमेंट करके बता देना। और गाइस मैंने 2 दिन पहले कम्युनिटी पे पोल डाला था कि आपको ICF ट्रैक साउंड चाहिए क्या ट्रेन सिमुलेटर के लिए, तो गाइस उसमें बहुत सारे मतलब 93% लोगों ने बोला कि हाँ हमको चाहिए करके। तो गाइस आज के इस वीडियो में जो ट्रैक साउंड आप देख रहे हो वही ट्रैक साउंड मैं आपको देने वाला हूँ, तो गाइस वो वाला भी वीडियो जल्द ही आ जाएगा, वो ट्रैक साउंड भी जल्द ही रिलीज़ हो जाएगा गाइस। ऑलमोस्ट 2-3 डेज़ के अंदर तो 100% गाइस ICF ट्रैक साउंड रिलीज़ हो जाएगा। तो गाइस चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी वो ट्रैक साउंड आ सके तो आपको वो अपडेट मिल जाए और आप जल्दी से उस ट्रैक साउंड को डाउनलोड कर पाओ। और यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, और ये गाइस इसमें ये वाले रूट पे बहुत सारे कर्व होने के कारण हमको गाइस यहाँ पर स्पीड लिमिट में ही ट्रेन चलानी है, हमको ज़्यादा मतलब स्पीड को इंक्रीज़ नहीं करना है, हमको गाइस 40 किलोमीटर के नीचे ही ये वाला मतलब ट्रेन को चलाना है। और गाइस सच बोल रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये गेम प्ले बनाने से पहले गाइस मैंने 3 ट्रेन चलाए थे,
मतलब पहले मैं ICF ट्रेन का जर्नी करने वाला था, मतलब ये वाले रूट पर आपके लिए गेम प्ले ICF का लाने वाला था, लेकिन वो भी गाइस मैंने चलाया और ज़्यादा हाई स्पीड हो गया, तो गाइस 50 के ऊपर थी हमारी स्पीड। और फिर आगे जाके गाइस एकदम स्टीप कर्व था, एकदम शार्प कर्व था, वहाँ पर जाके गाइस हमारी ट्रेन डीरेल हो गई। तो फिर उसके बाद गाइस मैंने सोचा चलो एक ओल्ड एरा में जाते हैं, मतलब जो नए मॉडल्स आए थे ना द लर्निंग वेज के 5-star मॉडल्स, वो वाले 80s के ज़माने वाले, तो गाइस वो मैंने सोचा उस पर जर्नी बनाते हैं। तो उसमें बनाया तो गाइस उसमें ट्रैक साउंड ही नहीं आ रहा था, तो फिर मैं सोचा यार अभी बनाओ कि नहीं। फिर रूट तो गाइस इतना औसम था, ये देख ही सकते हो आप, रूट इतना औसम है कि बोला यार गेम प्ले तो बनाना चाहिए। तो फिर गाइस मैं सोचा चलो यार तेजस एक्सप्रेस भी एक मस्त प्रीमियम ट्रेन है, तो चलो तेजस एक्सप्रेस का ही गेम प्ले बना लेता हूँ आप सभी के लिए। तो गाइस फाइनली फिर तेजस एक्सप्रेस का गेम प्ले मैं आप सबके लिए लेके आ गया हूँ यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये रूट ना गाइस सही में यार इतना मस्त रूट है ना गाइस, और वो भी फ्री में आपको इतना बढ़िया रूट मिल रहा है ना यार, सही में बहुत ही औसम रूट है। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हो गाइस स्क्रीन में कितना ये बढ़िया रूट लग रहा है यहाँ पर। और ये अभी आप रेल फैन वाला सीन इंजॉय करना गाइस, मैं थोड़ा चुप हो जाता हूँ। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर आपने देख लिया हमारी ट्रेन क्रॉस हो चुकी है, और क्या औसम सीन था गाइस, वो मस्त एकदम बढ़िया यहाँ पर सीन था वो क्रॉसिंग वाला। और गाइस अभी थोड़ा बात की जाए कौन कौन रूट की, तो गाइस कौन कौन रूट का वर्जन 4 का गाइस मैं एकदम डेली अपडेट्स देता हूँ हमारे कम्युनिटी टैब में। तो गाइस अभी तक आपने कम्युनिटी टैब में आप फॉलो नहीं किया होगा तो गाइस उसको भी ज़रूर फॉलो कर देना कम्युनिटी टैब पर, ताकि आपको रोज़ के रोज़ डेली अपडेट्स मिल सके कौन कौन रूट के वर्जन 4 के बारे में। मतलब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना गाइस तो ऑटोमेटिक आपको कम्युनिटी में जो मैं पोस्ट करता रहता हूँ फोटोज़ पोस्ट करता रहता हूँ कौन कौन रूट वर्जन 4 के, तो वो गाइस आपको ऑटोमेटिक मिलने के लिए आ जाएंगे, मतलब मिलते रहेंगे। मतलब आप फॉलो किए हो और ऑल पे किया होगा अगर आपने बेल सब्सक्राइब करके, तो फिर गाइस आपको कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर दिखाई देंगे। और उसमें गाइस मैं पोल्स भी डालते रहता हूँ कि आपको कैसा अपडेट चाहिए कौन कौन रूट वर्जन 4 का, वो भी मैंने डाला था। तो गाइस उसमें 80% लोगों ने बोला है कि CSMT2 दादर और रत्नागिरी 2 विलौड़े ऐसा अपडेट चाहिए। तो गाइस मैं दो मतलब ऑप्शन डाला था, एक CSMT2 ठाणे डाला था और एक CSMT2 दादर और एंड रत्नागिरी 2 विलौड़े। तो गाइस बहुत सारे लोगों ने बोला कि रत्नागिरी 2 विलौड़े और CSMT2 दादर ऐसा अपडेट चाहिए, तो गाइस वैसा ही अपडेट आएगा CSMT2 दादर और रत्नागिरी 2 विलौड़े। ये हमारा कौन कौन रूट का अपडेट अराउंड गाइस अगस्त के फर्स्ट वीक में लॉन्च करने की मैं कोशिश करूंगा, मतलब 100% नहीं बता रहा हूँ गाइस, डिले भी हो सकता है और जल्दी भी आ सकता है, लेकिन अगस्त के फर्स्ट वीक में गाइस मैं ट्राई करूंगा हमारा कौन कौन रूट का वर्जन 4 रिलीज़ करने की। और यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस अभी हमारा कर्व सब स्टार्ट हो चुका है, अभी यहाँ पर से गाइस एकदम रिलैक्स हो जाना, आपको इतने सारे कर्व देखने मिलने वाले हैं ना गाइस कि क्या बोलूँ मैं। और ये देख सकते हो ये भी मस्त एकदम शार्प कर्व है हमारी तेजस एक्सप्रेस। और गाइस ये रूट पे ड्राइव करने के लिए आपको एकदम नज़र एकदम तगड़ी करनी पड़ेगी गाइस, क्योंकि इतने सारे आपको कर्व देखने मिलने वाले हैं ना, और अगर आपने ज़्यादा ओवर स्पीडिंग कर ली तो फिर ख़त्म, तो फिर आपकी ट्रेन डीरेल हो जाएगी गाइस। तो ये रूट में ना आपको गाइस 44 किलोमीटर के नीचे ही 44 किलोमीटर पर आर के स्पीड के नीचे ही आपको ट्रेन को रखना है। अगर आपने 44-50 के पर भी गए ना और एकदम शार्प कर्व आ गया ना तो फिर ख़त्म, तो फिर गाइस आपकी ट्रेन डीरेल हो जाएगी और फिर सीधा ख़त्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, फिर वापस आपको खेलना पड़ेगा स्टार्टिंग से। तो गाइस ऐसा मेरे साथ 2 बार हो चुका है, इसके लिए गाइस मैं आपको बता रहा हूँ। और ये देख सकते हो मस्त एकदम घने जंगलों के बीच में से हमारी ट्रेन,
अभी शहरी इलाके में आ चुके, गांव इलाके में आ चुके गाइस। ये देख सकते हो आजू बाजू थोड़े घर, और ये हमारी तेजस एक्सप्रेस का चेयर कार कोच। और गाइस ये तेजस एक्सप्रेस में आपको सीट के आगे जो लैपटॉप जैसा, टैबलेट जैसा जो मिलता है, लैपटॉप नहीं सॉरी टैबलेट जैसा जो मिलता है ना, वो भी बहुत औसम रहता है। अगर गाइस आप में से किसी ने तेजस एक्सप्रेस में ट्रैवल किया होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट में आपका एक्सपीरियंस बताना, आपको कैसा लगा तेजस एक्सप्रेस का स्टाफ कैसा लगा, और उसका मतलब जर्नी एक्सपीरियंस आपका कैसा था, वो ज़रूर आप एक बार मुझे कमेंट करके बता देना गाइस तेजस एक्सप्रेस का। और कौन से रूट पर आपने तेजस एक्सप्रेस से यात्रा की वो भी मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हमारी ट्रेन की स्पीड है गाइस 47 किलोमीटर्स, तो डीरेलमेंट के चांसेस है, तो इसके लिए थ्रोटल को अब मैं कर लेता हूँ डिक्रीज। अगर थ्रोटल को इंक्रीज कर ले तो गाइस सीधा हमारे पैसेंजर्स ऊपर पहुँच जाएंगे और हमको वापस से खेलना पड़ेगा स्टार्टिंग से, तो इसके लिए गाइस थ्रोटल को डिक्रीज कर लिया है और आराम आराम से अब हम जर्नी करेंगे। और गाइस अभी ये सीन देखो कितना बढ़िया सीन है, आपको मैं एरियल व्यू बताता हूँ गाइस आपको, फिर ये देखो। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो एरियल व्यू कितना ये औसम लग रहा है, पूरा मतलब यू टाइप का कर्व यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, और कितना स्टीप कर्व है देख सकते हो यहाँ पर आप। ओहो मतलब गाइस ज़्यादा स्पीड होती ना हमारी ट्रेन तो 100% डीरेल हो ही जाती, तो ये ऐसा सब गाइस इतना ये रूट है। तो इसके लिए गाइस आपको एकदम प्रॉपर तरीके से और एकदम डिसिप्लिन मैनर में गाइस आपको ट्रेन चलानी पड़ेगी ये वाले रूट पर। और गाइस इतना बढ़िया HD रूट ना गाइस, सही में बहुत ही मस्त रूट है गाइस। और आप गाइस आपको इसको डायरेक्ट ड्राइव की लिंक मिलने वाली है, तो आपको कोई शॉर्ट एंड लिंक भी नहीं मिलेगी, तो सीधा ड्राइव से आप डाउनलोड कर सकते हो गाइस। तो डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब की लिंक मिलेगी गाइस आपको, जिनका ये रूट है उनका रूट ओनर की लिंक मिल जाएगी, तो वो लिंक पर जाकर आप सीधा डाउनलोड कर सकते हो। और बहुत ही बढ़िया रूट है गाइस, एकदम इंडोनेशियन रूट है। तो गाइस वो जो क्रिएटर है उन्होंने इंडोनेशिया में ही कुछ तो भी बोला है इंस्टॉलेशन प्रोसेस, तो वो तो गाइस अपने को समझ में नहीं आएगा। तो आप सीधा रूट को डाउनलोड करना, और जैसे आप मतलब बाकी के रूट्स को एक्सट्रैक्ट करते हो ना वैसे सेम टू सेम एक्सट्रैक्ट करना, आपका रूट 100% वर्क हो जाएगा। और ये आप तेजस एक्सप्रेस का इंटीरियर थोड़ा सा देख लिया होगा गाइस स्टार्टिंग का, मैं बाद में बताता हूँ गाइस आपको तेजस एक्सप्रेस का थोड़ा मतलब हमारी ट्रेन एकदम सीधे पे आएगी ना, एकदम स्ट्रेट पे आएगी ना गाइस, तभी मैं आपको इंटीरियर व्यू बता देता हूँ। अभी थोड़ा स्ट्रेट है तो मैं बता देता हूँ गाइस आपको इंटीरियर व्यू। तो जैसे आप आओगे तो ये डोर ओपन करोगे तो गाइस यहाँ पर आपको मस्त यहाँ पर एकदम बैठने बैठने के लिए जगह है, और हर सीट के सामने आपको टैबलेट का स्क्रीन देखने मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर अभी हम एकदम ही स्टीप कर्व पर आ चुके हैं, तो इसके लिए गाइस मैंने स्पीड को थोड़ा डिक्रीज कर लिया है और थोड़ा पार्ट मैंने कट कर लिया गाइस, क्योंकि ज़्यादा सब पार्ट कर अगर मैं डालूँगा तो गाइस 2-3 घंटे की ये वीडियो हो जाएगी, तो इसके लिए गाइस मैंने थोड़ा पार्ट कट कर लिया है, मतलब जो मेन पार्ट है उसी का गाइस मैंने यहाँ पर आपको जर्नी वीडियो बताया है। और ये कर्व आप देख सकते हो गाइस कितना स्टीप कर्व है, कितना मतलब शार्प कर्व है गाइस। अगर इसमें गाइस आपने अराउंड 50 किलोमीटर पे ट्रेन चलाई ना तो गाइस 101% आपकी ट्रेन यहाँ पर डीरेल होने वाली है, तो इसके लिए गाइस एकदम आराम आराम से हमको ट्रेन को चलाना है। यहाँ पर से गाइस हम लोग सिर्फ 10 किलोमीटर नहीं तो 15 किलोमीटर्स के ही रेंज में यहाँ पर से हम ट्रेन को निकालेंगे यार, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है यार, डीरेल हो गया तो वापस से हमको चलाना पड़ेगा ट्रेन वहाँ पर से जहाँ पर से हमने स्टार्टिंग किया था, तो वहाँ पर से वापस 15 मिनट का जर्नी करके हमको आना पड़ेगा यहाँ पर। और ये कर्व आप देख सकते हो गाइस कितना खतरनाक कर्व है, और इतना औसम भी है, मतलब सीन भी इतना बढ़िया है ना गाइस। और गाइस ये वाले रूट पे आपको इतना बढ़िया बढ़िया सीन देखने मिलने वाले हैं ना कि क्या बोलूँ मैं अब, और इतना मस्त रूट है गाइस, ज़रूर से आप डाउनलोड कर लेना, अराउंड 200 MB के आसपास आपको ये रूट पड़ेगा गाइस, और बहुत ही सुपर HD रूट है। लिंक अवेलेबल है, जल्दी से डाउनलोड कर लो गाइस और खेल लीजिए एक इंडोनेशियन रूट, और आपका एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करना गाइस आपने खेलने के बाद। आप ये गेम प्ले खेलोगे ना, अरे गेम प्ले नहीं सॉरी ये रूट खेलोगे ना उसके बाद का एक्सपीरियंस आप ज़रूर मुझे शेयर करना। तो गाइस अभी इसके बाद से अभी हमारा डबल लाइन शुरू होने वाला है, अभी सिंगल लाइन ख़त्म हो चुका है। तो ये देख सकते हो गाइस ये कर्व वाला जो
बैंगलोर से बैंगलोर जाते टाइम का जो सीन है ना गाइस, वैसा सीन यहाँ पर आपको मतलब देखने मिलेगा। अगर आप में से किसी ने वहाँ पर जर्नी किया होगा बैंगलोर से बैंगलोर का बीच में का, तो वहाँ पर आपने देखा होगा गाइस, वो जो शिरडी घाट आता है वहाँ पर ऐसे ही सेम कर्व है गाइस, एकदम मस्त, एकदम HD जैसा, एकदम रियलिस्टिक जैसा गाइस ये रूट बनाया है। लेकिन इंडोनेशिया रूट है गाइस, ये इंडियन रूट नहीं है। और मैं पहले ही बता देता हूँ गाइस, मैं कुछ ऐसा पायरेट वगैरह कुछ कर रहा नहीं हूँ ये रूट को। ये रूट के ओरिजिनल ओनर है इंडोनेशियन रूट, मतलब इंडोनेशियन रूट है उसके ओरिजिनल ओनर है। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हो। और वही रूट के रियल ओनर है गाइस जितना मुझे पता है। तो मैं ये रूट का ओनर नहीं हूँ और ना ही मैंने ये रूट को मतलब रूट को बनाया है, मैं सिर्फ यहाँ पर गेम प्ले बनाया है ये रूट का। तो ये रूट का जो स्पेशल क्रेडिट और रूट का ओनर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वही है ये वाले इंडोनेशियन रूट के रियल ओनर्स। तो ये हो गए भाई मेरे साइड से क्लियर। तो यार मुझको कुछ मतलब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि गाइस पिछले बार ना मैंने वो रशियन रूट का वीडियो डाला था, वो ड्राइविंग इंडियन मतलब पूर्वा एक्सप्रेस का देखो डाला था गाइस, तो उसमें भी ना बहुत मतलब एक बंदा था, उसने बोला कि तू ऐसा कैसे मतलब वो वाला रूट को ये किया और उसको कौन कौन रूट नाम दे दिया। तो गाइस मैं उसको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन रूट के, मैं गाइस मैं पूरा 2 साल से वो रूट बना रहा हूँ, मतलब बीच में मैंने छोड़ दिया था उसका काम, तो 2 साल से मैं रूट बनाया हूँ। चाहे तो आप मेरा चैनल भी चेक कर सकते हो, मेरा 2 ईयर्स आगो का भी आपको अपलोड मिलेगा देखने के लिए। तो यार ये ऐसे सब बोलने से पहले यार थोड़ा जानकारी ले लो यार कौन कौन रूट की, और फिर बाद में मुझे ब्लेम करना कि मैंने पायरेट किया है कि नहीं। मैं सिंपल सिर्फ गेम बना रहा था, मतलब गेम प्ले बना रहा था, और उसमें भी गाइस ऐसे सब सीन होने लग गएंगे तो फिर मूड ही चले जाएगा ना ऐसे रूट बनाने का। और ये देखो ये बीच में कहाँ से आ गई ये ट्रेन, क्या पता। ओह ये फ्रेट ट्रेन यहाँ पर से अभी डबल लाइन चालू हो जो गए है, तो गाइस अभी यहाँ पर पूरा मतलब क्रॉसिंग सबको देखने मिलेगी। और ये ट्रेन कहाँ से आ गई बीच में से क्या मालूम भाई, ना इंजन दिखा ना कुछ दिखा, सीधा आ गई सामने, शायद से एकदम मतलब हैवी हाई ग्राफिक रूट है ना, तो इसके वजह से गाइस थोड़ा प्रॉब्लम आया होगा। ओहो और ये सीन देख सकते हो गाइस यार कितना ओसम सीन है, मस्त एकदम कर्व ले रही है और बाजू आजू बाजू पूरे पहाड़, और ये मस्त यहाँ पर एक और शार्प कर्व। और गाइस ये रूट तो गाइस पूरे कर्व से भरा हुआ रूट है, और इतना ऑसम रूट है ना गाइस कि क्या बोलूँ यार अब मैं, इतना बढ़िया और इतना ऑसम रूट है गाइस अभी आपने अभी तक देखा नहीं होगा ट्रेन में, और इतने कर्व के साथ तो गाइस आपने 100% देखा नहीं होगा, इतना बढ़िया ये रूट है और इतने कर्व है ना यहाँ पर। हर एक मतलब हर 2 से 3 मिनट में आपको कर्व देखने मिलेंगे, हर 2 से 3 मिनट में। और गाइस अगर इसमें इंटीरियर व्यू होता ना यार कसम से इतना मज़ा आता ना यार ये गेम प्ले खेलने, और ये मतलब आपको भी जर्नी एंजॉय करने में और ज़्यादा मज़ा आता था गाइस अगर ये इसमें इंटीरियर व्यू होता, डोर व्यू होता ना, तो यार बहुत मज़ा आता था सही में। क्योंकि गाइस ये सब कर्व है ना ये मतलब डोर से बहुत अच्छे दिखते हैं, ऐसा मतलब पूरी ट्रेन हमारी दिखेगी पूरा इंजन से लेके पीछे तक, तो वो सीन गाइस बहुत ही बढ़िया होता है। और ये हम एकदम धीरे धीरे यार हम क्रॉस करेंगे ताकि हमको कोई रिस्क नहीं लेनी है, एकदम टाइम टू टाइम हमारी ट्रेन भी पहुंचनी चाहिए और हमारे पैसेंजर्स भी एकदम सुरक्षित ढंग से पहुंचने चाहिए उनके डेस्टिनेशन पर। तो इसके लिए गाइस मैं एकदम आराम आराम से चलूँगा। और गाइस जो बोलते हैं कि मैंने कौन कौन रूट का वो पायरेट किया है, मैंने दूसरे का कौन कौन रूट बनाया है, तो भाई पहले जाओ चैनल पर वीडियोस में जाओ और डेट मतलब ओल्डेस्ट देखो मेरे वीडियो, 2 साल से मैं बना रहा हूँ। पहला मेरा कौन कौन रूट वर्जन 1 2 साल पहले मैंने किया था अपलोड, और फिर उसके बाद मैंने मतलब बंद कर दिया था यूट्यूब, क्योंकि मतलब ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था गाइस, फिर मैंने वो बंद कर दिया। और फिर बाद में पिछले साल मैंने जून में वर्जन 2 दिया आपको कौन कौन रूट का, मतलब थोड़ा और अपडेट किया उसको, नांदगांव की कनकवली तक गाइस मैंने अपडेट किया था। और उसके बाद गाइस मैंने अगस्त की सितंबर में गाइस मैंने एकदम बड़ा अपडेट दिया कौन कौन रूट का वर्जन 3 का, जो कि पूरा CSMT से मड़गांव तलक का था। और फिर उसके बाद गाइस अभी जनवरी के आसपास मैंने वर्जन 3.1 दिया। तो गाइस ये सब हमारे कौन कौन रूट की हिस्ट्री थी, और ये कर्व देख सकते हो गाइस, वाह वाह क्या कर्व है गाइस, और एकदम यू कर्व यहाँ पर आप बोल सकते हो इसको। और आगे देखोगे तो गाइस ऐसा लग रहा है सांप चल रहा है,
पूरा ऐसा। ओहो ये कर्व देखो यार, कितना स्टीप कर्व था गाइस। अगर इसमें इंटीरियर भी होता ना बहुत मज़ा आता था। और बहुत ही बढ़िया कर्व यहाँ पर हमने क्रॉस कर लिया है। और ये हमारी तेजस एक्सप्रेस और गाइस WDP4 के लोको WDP4B के लोको पायलट जो कि मैं ही हूँ। तो इसके लिए गाइस मुझे थोड़ा लाइक कर देना, क्योंकि इतना अच्छा मैं चला रहा हूँ। अभी तक हमारी ट्रेन डीरेल नहीं हुई और एकदम अच्छे से मैं चला रहा हूँ। तो गाइस उसके लिए ज़रूर एक लाइक कर देना गाइस। तो गाइस आज के इस वीडियो का हम लोग लाइक का टारगेट रख देते हैं 60 लाइक्स। तो प्लीज़ यार 60 लाइक्स कंप्लीट करने के लिए मेरे को मतलब हेल्प करना। और ये 60 लाइक्स का टारगेट ज़रूर कंप्लीट कर लेना गाइस। हाँ तो गाइस अभी हम थोड़ा वो कोंकण रूट के बारे में बात करते हैं। तो फिर वो कोंकण रूट का गाइस वर्जन 3.1 का अपडेट फिर मैंने दिया था अराउंड शायद से दिसंबर की जनवरी के आसपास मैंने अपडेट दिया था वर्जन 3.1 का। और फिर उसके बाद भी गाइस मैंने फिर 1 मंथ कुछ मतलब अपडेट मतलब कुछ डाला ही नहीं, पूरा मतलब ट्रेन सब डिलीट कर दिया था। और फिर बाद में वापस मैंने अभी पिछले के मतलब 2 महीने पहले फिर मैंने बोला कि कोंकण रोड वर्जन 4 आने वाला है और उसमें आपको फुल मॉडिफाई मिलने वाला है। तो वो भी गाइस अगस्त में आ जाएगा, अगस्त के मतलब 4 वीक्स के अंदर तो 100% आ ही जाएगा गाइस। तो ये थी हमारे पूरे कोंकण रूट की हिस्ट्री। तो जो बोलते हैं कि गाइस मैंने कोंकण रूट को पायरेट किया है, तो भाई ज़रा जाओ वीडियोस चेक करो, थोड़ा जानकारी लो कोंकण रूट के बारे में, और फिर आके बोलो कि भाई तू चोरी का रूट डाल रहा है या फिर मतलब दूसरे का रूट एडिट करके तू तेरा नाम डाल रहा है। तो ये सब बोलने से पहले यार थोड़ा जानकारी ले लो और फिर बोलो क्या गाइस। अगर गाइस आप मेरे मतलब ओल्ड सब्सक्राइबर्स होंगे तो आपको पता होगा कि मैं ये रूट कब से बना रहा हूँ। तो अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स होंगे तो यार कमेंट में ज़रूर बताना कि आप मेरा ये वीडियो कब से देख रहे हो, मतलब ये वीडियो नहीं, आप मेरे वीडियोस चैनल पर कब से देख रहे हो ये ज़रूर मुझे बता देना गाइस। तो अभी एकदम स्ट्रेट रोड है, तो स्ट्रेट मतलब रूट है, तो थोड़ा हम कैब व्यू का भी मतलब ले लेते, कैब व्यू में बैठ लेते थोड़ा। और ये देख सकते हो गाइस LHF मोड में ड्राइव करना मतलब बहुत हार्ड काम है गाइस, बहुत ही मतलब ख़तरनाक काम है, उसको बहुत खतरनाक नहीं मतलब बहुत ही मतलब क्या बोलो गाइस, अभी मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो गाइस रियल में LHF मोड पे WDP4B या फिर WDP4 को जो ड्राइव करते हैं उनको तो भाई ग्रेट सैल्यूट है। क्योंकि गाइस यहाँ पर देखो आप पूरा विजिबल नहीं होता है आगे का, एकदम शॉर्ट आपको देखने मिलता है, एकदम थोड़ा सा ही आपको देखने मिलता है गाइस। और उस पर भी हमारे इंडियन रेलवेज के लोको पायलट बहुत ही अच्छे से ड्राइव करते और हमको एकदम सुरक्षित हमारे डेस्टिनेशन पर पहुँचाते गाइस। तो एक सैल्यूट उनकी तरफ से गाइस। तो आप चैनल में ज़रूर ग्रेट सैल्यूट फॉर इंडियन लोको पायलट ऐसे ज़रूर कमेंट करके लिख देना गाइस, क्योंकि यार बहुत ही मेहनत करते हैं वो हमारे लिए और हम अच्छे से पहुँच सके इसके लिए एकदम अच्छे से वो ट्रेन को चला लेते। और यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस एक और कर्व आ चुका है, मतलब ये इतना भी स्टीप इतना भी शार्प नहीं है गाइस, एकदम थोड़ा ही कर्व है लेकिन बढ़िया कर्व है, मज़ा आएगा। और गाइस अभी हमने 25 मिनट्स कंप्लीट करने वाले हैं गेम प्ले वीडियो के। तो बस अभी यहाँ पर यहाँ तक अगर आपने देखा होगा तो और 20 मिनट्स का गेम प्ले देख लेना, और अभी तो और बढ़िया गेम प्ले होने वाला है क्योंकि गाइस डबल क्रॉसिंग आ चुका है, सॉरी डबल लाइन आ चुकी है, तो फिर आपको कर्व भी एकदम अच्छे से देखने मिलेंगे और बहुत ही मज़ा आएगा आपको भी। और गाइस जल्दी से ये रूट को डाउनलोड कर लेना और प्ले कर लेना, क्योंकि बहुत ही ऑसम रूट है और बहुत ही बढ़िया रूट है गाइस। और क्या ही बोलूँ यार ये रूट के बारे में, आप देख ही सकते हो, आपने यहाँ पर अभी 25 मिनट्स का गेम प्ले तो देख ही लिया, आपको पता ही चल गया होगा कि यार कितना औसम रूट है ये। और ये देख सकते हो आप एक और कर्व यहाँ पर आ चुका है, और ये देख सकते हो भारतीय रेल WDP4B भगत की कोठी का लोकोमोटिव और उसके साथ तेजस एक्सप्रेस। तो वैसे ये तेजस एक्सप्रेस कौन सी तेजस एक्सप्रेस है आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बता देना। तो गाइस ये रूट तो गाइस थोड़ा कोंकण टाइप का रूट है, तो इसको हम करमाली तेजस एक्सप्रेस ही बोल सकते हैं।
अभी गाइस मैं इसमें बोलेगा ना कि ये कौन कौन रूट है, तो ऐसे मतलब कौन कौन रूट टाइप रूट है, तो फिर भी बहुत लोग बोलेंगे नहीं भाई तो ऐसे पायरेट करता है, ये वाले रूट को कौन कौन रूट नाम देते हैं। तो भाई ये इंडोनेशियन रूट है, इसमें मेरा कुछ भी मतलब कुछ है ही नहीं, सिर्फ मेरा गेम प्ले है, बाकी सब रूट के ओनर, ये रूट का मतलब जो गेम सॉरी मतलब रूट का क्रेडिट ओनर को जाता है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। मेरा गाइस कौन कौन रूट वर्जन 4 आ जाएगा अगस्त में, आ जाएगा गाइस 101% अगस्त में मैं रिलीज़ कर दूंगा कौन कौन रूट का वर्जन 4। और ये देख सकते हो गाइस यहाँ पर एक और कर्व आ चुका है, और ये भी शार्प मतलब मीडियम शार्प बोल सकते हो गाइस, एकदम शार्प तो नहीं है लेकिन एकदम मीडियम शार्प आप इसको कह सकते हो, और बहुत ही बढ़िया है। और गाइस अभी थोड़ा कौन कौन रूट के अपडेट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो गाइस कौन कौन रूट का वर्जन 4 का बेटा वर्जन में आपको CSMT2 दादर और रत्नागिरी 2 विलवड़े, ये अपडेट आपको मिलने वाला है कौन कौन रूट के वर्जन 4 का मतलब बेटा वर्जन में। और फिर बाद में जो हमारा पब्लिक वर्जन आएगा कौन कौन रूट वर्जन 4 पब्लिक वर्जन, तो उसमें गाइस आपको पूरा CSMT से लेके मडगांव तलक का फुल HD सीनरी के साथ आपको रूट मिलने वाला है। लेकिन गाइस उसके लिए टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि अराउंड नवंबर तक आप पकड़ के चलो, क्योंकि गाइस मैं एकदम रियल लोकेशन के साथ आपको वो रूट देने वाला हूँ CSMT से लेके पूरा लास्ट हमारा मडगांव तलक का। तो गाइस उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा बनाने के लिए, इसके लिए गाइस थोड़ा मतलब टाइम लगेगा हमारा पब्लिक वर्जन आने तक। और फिर जैसे पब्लिक वर्जन आएगा उसके बाद गाइस हम अपडेट करेंगे CSMT से बदलापुर और कसारा। अभी भी अगर आपने हमारा रूट खेला होगा तो गाइस आपको CSMT से कसारा और CSMT2 बदलापुर देखने मिलेगा, लेकिन गाइस उसमें कुछ सीनरी ऐड ही नहीं किया है, सिर्फ ट्रैक्स को मतलब ऐड किया है। तो सबसे पहले गाइस कौन कौन रूट का वर्जन 4 का पूरा बेटा वर्जन और पब्लिक वर्जन आने के बाद वर्जन 5 में गाइस आपको CSMT से कसारा और CSMT से बदलापुर का भी सीनरी एकदम अपडेट मिलेगा। और फिर गाइस पूरा हमारे ये सब रूट अपडेट होने के बाद फिर हम मैंगलोर तलक एक्सटेंड करने का मैं सोच रहा हूँ, और यहाँ पर शायद से पुणे तलक मैं एक्सटेंड करूँगा, शायद से गाइस पूरा 100% तो नहीं है लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगा पुणे तलक और कसारा से नासिक नहीं तो इगतपुरी तलक ट्राई करने की कोशिश करूँगा मैं मतलब एक्सटेंड करने की। और अगर ये सक्सेसफुल एक्सटेंड हो गया ना गाइस तो गाइस हमारा रूट है वन ऑफ द बिगेस्ट रूट बन जाएगा ट्रेन सिमुलेटर के लिए। अभी भी गाइस मतलब बड़ा ही है हमारा रूट, अराउंड 500 किलोमीटर का रूट है गाइस हमारा पूरा मतलब मडगांव से लेके CSMT तलक का। जब आप नेविगेशन डिस्प्ले पर मतलब नेविगेशन करोगे ना पूरा मडगांव से लेके CSMT का, तो अराउंड आपको 485 की 490 के आसपास कुछ तो भी किलोमीटर्स आपको देखने मिलेंगे गाइस। और मडगांव से लेके सावंतवाड़ी तो गाइस फुल एकदम रियल डिस्टेंस है, उसके बाद का थोड़ा मतलब 6-7 किलोमीटर थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन सावंतवाड़ी टू मडगांव गाइस एकदम फुल रियल डिस्टेंस रूट है, आप ज़रूर खेलना। आपको एक्टिविटी चाहिए तो गाइस एक्टिविटी की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, मडगांव सावंतवाड़ी एक्टिविटी विथ पैरेलल एक्शन, ये वाली एक्टिविटी गाइस मैंने बनाई थी पिछले हफ्ते, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप चाहो तो उसको ज़रूर से डाउनलोड कर सकते हो। ओहो और ये सीन देखो गाइस क्या ऑसम सीन है, वाह मतलब मन एकदम खुश हो गया गाइस, वाह मस्त आजू बाजू एकदम खेत, ओहो क्या सीन है गाइस, वाह मज़ा आ गया मतलब एकदम फुल लॉन एकदम इंडोनेशियन रूट छा गया भाई। आहा सीन देखो गाइस क्या सीन है ये। और गाइस अभी शायद से हमने मतलब जंगल को पूरा पार कर लिया है और अभी हम गांव एरिया में आ चुके हैं, जैसे कि आप हमारे आजू बाजू देख ही सकते हो पूरा घर वगैरह सब ऐड हुए हैं, तो हम गांव में आ चुके हैं। और यहाँ पर एक और लेवल क्रॉसिंग, लेकिन गाइस ये भाई ये इस रूट पे जो लेवल क्रॉसिंग है उसका मतलब बंद ही नहीं होते, जो कि हम ऐसा मतलब दरवाज़ा नहीं जो होता है ना गाइस लेवल क्रॉसिंग का रेल फाटक जिसको हम बोलते हैं जो बंद होता है वो क्या बोलते गाइस वो ज़रूर एक बार मुझे कमेंट में बता देना, और वो गाइस वो है ही नहीं यहाँ पर। और ये एक और स्टेशन को हम क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन गाइस हमारी ट्रेन तो यार प्रीमियम ट्रेन है, तो हमारी ट्रेन तो यहाँ पर कहाँ पर भी रुकेगी नहीं, हमारी ट्रेन सीधा लास्ट स्टॉप पर रुकेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो
अभी से गाइस हमारा डबल लाइन रूट कंप्लीट हो चुका है। अभी हम सिंगल लाइन पर आ चुके हैं वापस से, जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हो। और अभी डबल लाइन सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है और अभी हम सिंगल लाइन पर आ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हो। सिंगल लाइन पे आ चुके हैं हमारी ये तेजस एक्सप्रेस। और गाइस आज का ये गेम प्ले आपको कैसा लगा ये ज़रूर एक बार मुझे कमेंट करके बता देना। और ये अभी हमने आधा घंटे का गेम प्ले एकदम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो गाइस अभी हार्डली 15 मिनट का गेम प्ले बचा है, तो यार वो भी ज़रूर देख लेना। उसमें भी अभी आपको बहुत सीनरी देखने मिलने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सीनरीज आपको देखने मिलने वाले, बहुत ही बढ़िया कर्व आपको देखने मिलने वाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे राइट साइड में थोड़े खेत जैसा, मतलब यहाँ पर देख सकते हो आप, और लेफ्ट साइड में उनके मकान, खेत मालिकों के घर मकान यहाँ पर लगाए हुए हैं। बहुत ही डिटेल एकदम काम किया है ये रूट पर, और बहुत ही बढ़िया और मस्त एकदम सुपर HD रूट आप इसको कह सकते हो गाइस। और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी थोड़ा हम स्पीड को गेन कर लेते गाइस, क्योंकि अभी यहाँ पर देख सकते हो एकदम स्ट्रेट, मतलब एकदम सीधा यहाँ पर हमको ट्रैक्स दिखाई दे रहे, कुछ कर्व दिखाई नहीं दे रहे। तो इसके लिए अभी हम थोड़ा स्पीड को गेन कर लेते हैं। अभी थ्रॉटल में थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, डिक्रीज कर लेता हूँ, लेकिन हमारी स्पीड कॉन्स्टेंट रहेगी, मतलब धीरे धीरे कम होगी हमारी स्पीड। और ये अरे 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 भाई, हम लोग ने ठोक दिया है बस वाले को, लेकिन बस वाला निकल चुका है हमारी ट्रेन के अंदर से। तो ये सिर्फ ट्रेन सिमुलेटर में ही हो सकता है जादू। और भाई ये देखो गाइस क्या ऑसम सीन लग रहा है, मस्त एकदम इंटीरियर व्यू, WDP 4B का इंटीरियर व्यू, और क्या सीन है गाइस, वाह मतलब मज़ा आ गया ये रूट का गाइस। मेरा तो गाइस ये वन ऑफ द बेस्ट सीन है, मतलब मस्त एकदम लग रहा है। और यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट के तो मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, या लोको पायलट के इसमें से दिखाई दे रहा है गाइस, थोड़ा मतलब विजिबल है आगे का ट्रैक्स, लेकिन असिस्टेंट लोको पायलट के इसमें से तो गाइस ट्रैक्स दिखाई ही नहीं दे रहे थे। और देख सकते हो गाइस कितना मतलब कितना हार्ड काम है गाइस WDP 4B LHF मोड में चलाना। तो गाइस अ ग्रेट सैल्यूट फॉर इंडियन लोको पायलट कि यार इतना मस्त लोको चलाते हैं ये लोग, मतलब हमारे सर लोग इतना मस्त, मतलब क्या बोले। और ये देख सकते हो मस्त यहाँ पर हमने स्पीड को कर लिया है कम, क्योंकि गाइस आगे कर्व आने वाला है, वो देख सकते हो आप कर्व आ चुका है आगे, तो इसके लिए गाइस हम स्पीड को कम किए हैं। अभी 40 किलोमीटर पर आर के स्पीड से हमारी ये वाली ट्रेन आगे जा रही है, तो हो जाएगी कम और डिरेलमेंट तो नहीं होगा गाइस। देखते हैं अभी कब तक हम पहुँचते गए हमारे डेस्टिनेशन की तरफ। तो गाइस आज का गेम प्ले भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, अराउंड 44 मिनट्स का हमारा ये गेम प्ले हो चुका है गाइस। लेकिन गाइस आपको ये गेम प्ले कैसा लगा ये ज़रूर एक बार कमेंट करके बता देना, और ये रूट कैसा लगा ये भी ज़रूर कमेंट करके बता देना, और ये हमारा गेम प्ले भी कैसा लगा ये भी ज़रूर कमेंट करके बता देना। और ट्रैक साउंड तो गाइस आपको मिल ही जाएगा 2-3 दिन के अंदर, सुपर HD ट्रैक साउंड है गाइस, मस्त एकदम देख सकते हो, जैसे कि आपने गेम प्ले में देखा ही होगा हमने वही ट्रैक साउंड यूज़ किया है। ये जो गेम प्ले में आप देख सकते हो वही ट्रैक साउंड है, और ये सीन देख सकते हो गाइस मस्त एकदम। और अभी हम लोग फिर से पहाड़ों के बीच में जा रही है गाइस हमारी तेजस एक्सप्रेस, यहाँ पर आप देख सकते हो लेवल क्रॉसिंग। और अभी वापस से हम जा रहे हैं पहाड़ों के बीच में, और ये एक छोटा सा कर्व यहाँ पर आप देख सकते हो, छोटा सा कर्व को हमारी तेजस एक्सप्रेस पार कर रही है। ओहो तो गाइस अभी शायद हमारा डेस्टिनेशन आ चुका है, थोड़ा ही मतलब दूर है हमारा डेस्टिनेशन। तो यार अभी तलक इधर तलक गाइस आपने अगर गेम प्ले देखा होगा तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया होगा तो, और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर देना। और ये देख सकते हो गाइस अभी क्या सीन है, मस्त एकदम खेतों के बीच में से हमारी तेजस एक्सप्रेस, और ये सीन देखो गाइस क्या औसम सीन है, मेरे मतलब देख सकते हो क्या औसम सीन है, एकदम खेत के बीचों बीच हमारी तेजस एक्सप्रेस। अरे ये क्या हो गया। हाँ तो गाइस अभी चेस व्यू कर लिया है मैंने,
और ये देख सकते हो WDP-4B। तो गाइस अभी थोड़ा हम लोग आगे आ जाते रेल फैन मोड, नहीं रेल फैन मोड अभी नहीं, बाद में। एक तो गाइस हमने रेल फैन मोड कंप्लीट कर लिया था पीछे, अभी हम ऐसे ही चलाएंगे, नहीं तो भाई डिरेलमेंट हो जाएगी, डिरेल हो सकती है हमारी ट्रेन। इसके लिए गाइस हम एकदम आराम से चलाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस। और यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर एक और कर्व आ चुका है, और ये बहुत ही शार्प कर्व है। और हमारी ट्रेन गाइस 42 किलोमीटर की स्पीड से थी, लेकिन अभी स्पीड कम कर लिया है, और अचानक से गाइस हमारी ट्रेन बहुत ही स्लो हो चुकी है गाइस। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी ट्रेन 14 किलोमीटर की स्पीड में आ चुकी है गाइस। 40 किलोमीटर की स्पीड में हमारी ये ट्रेन थी, सीधा 14 किलोमीटर पर आ चुकी है। तो यार जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कितना शार्प ब्रेकिंग यहाँ पर हमने कर लिया था गाइस WDP-4B के साथ। तो गाइस देख सकते हो अभी वापस से हमने एक्सेलरेशन स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि यार बीच में हम रोक नहीं सकते ट्रेन को, इसके लिए गाइस एकदम फास्ट हो चुकी है अभी हमारी ट्रेन वापस से। और ये कर्व आ गया है वापस एक बार, तो धीरे से ही हम चलाएंगे ट्रेन। अगर गाइस हमने वो ब्रेक्स नहीं लगाए होते, एकदम शार्प ब्रेकिंग नहीं की होती, तो गाइस अभी हमारा ये गेम प्ले यहीं पर ख़त्म हो चुका होता था, और हमारी ट्रेन डिरेल हो सकती थी। लेकिन गाइस एकदम बोलते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो गाइस वो प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से आज हमारा ये मतलब एक्सीडेंट बच गया, मतलब एक्सीडेंट हुआ नहीं, एक्सीडेंट टल गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो वापस से वो कर्व आ चुका है, ऐसा तेढ़ा वाला कर्व आ चुका है गाइस। और गाइस ये देख सकते हो यहाँ पर हमारी तेजस एक्सप्रेस बहुत ही स्लो हो चुकी है, अभी थोड़ा हम एक्सेलरेशन कर लेते हैं। यार इतना स्लो ट्रेन चलाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है गाइस, इसके लिए थोड़ा अभी हम एक्सेलरेशन कर लेते हैं, और थोड़ा देख के आते हैं यार कितना दूर है अभी हमारा डेस्टिनेशन। तो भाई आ चुका है, शायद से आ चुका है हमारा डेस्टिनेशन, अब आ चुका है। ओह यस, थोड़ा ही बचा है गाइस, अभी थोड़ा ही गेम प्ले बचा है, पूरा कंप्लीट देखना गाइस, पूरा एंड तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम प्ले गाइस। पूरा कंप्लीट होने आ चुका है अभी, हमारी पूरी जर्नी कंप्लीट होने वाली है, थोड़े ही देर में हमारी जर्नी कंप्लीट होने वाली है गाइस। वीडियो को पूरा एंड तक देखना गाइस, और 60 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करना गाइस, प्लीज़ गाइस सपोर्ट बताना गाइस, सपोर्ट दिखाना। तो गाइस अभी हम एक्सेलरेशन कर रहे थे, क्योंकि आगे ज़्यादा तो कुछ मतलब एकदम शार्प कर्विंग तो नहीं था, तो इसके लिए गाइस हम एक्सेलरेशन कर सकते हैं। और अभी वापस से थ्रोटल को कर लिया है डिक्रीज, क्योंकि आगे स्टेशन है, उधर रुकना है हमको। अगर ज़्यादा स्पीड में लेके गए तो फिर गाइस एंड टाइम पे ब्रेक नहीं लगा तो फिर ख़त्म, तो फिर हम आगे स्टेशन पहुंच जाएंगे, और फिर जिस ये वाले स्टेशन पर जो पैसेंजर्स को उतरने होंगे वो उतर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम ब्रेक्स को अप्लाई करेंगे, और ट्रेन को एकदम टाइम टू टाइम स्टॉप करेंगे, एकदम परफेक्टली स्टॉप करेंगे गाइस, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और बहुत ही बढ़िया है। और गाइस ये मतलब पूरा रूट को मैंने कवर नहीं किया है, अभी जो स्टेशन पर हमारी ये जर्नी एंड होने वाली है वो गाइस दरअसल बीच वाला ही स्टेशन है। अगर आपको इसका पूरा कंप्लीट गेम प्ले चाहिए लास्ट स्टॉप तक, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बता देना, मैं आपके लिए गाइस सिर्फ आपके लिए वो गेम प्ले बना दूंगा पूरा एंड तक। तो आप चाहो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बता देना, मैं ज़रूर से वो गेम प्ले बना दूंगा गाइस आप सभी के लिए। और अभी गाइस हम 40 मिनट्स कंप्लीट करने वाले हैं, अभी गाइस सिर्फ 3 से 4 मिनट का गेम प्ले बचा है, तो देख के जाना गाइस, मज़ा आएगा आपको देख के जाना वो पूरा गेम प्ले। और यहाँ पर अभी हमारी तेजस एक्सप्रेस जंगलों के बीच में से घरों के बीच में आ चुकी है, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो आजू बाजू घर है, और पहले जंगल थे, तो जंगल के बीच में से यहाँ पर घरों के बीच तक हमारी ट्रेन आ चुकी है। और यहाँ पर से लूप लाइन भी हो चुकी है तैयार, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो लूप लाइन आ चुकी है, मतलब स्टेशन भी हमारा आ चुका है बहुत नज़दीक। तो अभी हमारी ये जर्नी होने वाली है कम्प्लीट, और ये वीडियो भी होने वाला है एंड। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बता देना गाइस। और ये देख सकते हो एक और लूप लाइन, यार मतलब डबल लूप लाइन यहाँ पर आपको देखने मिलने वाला है गाइस ये वाले स्टेशन पर, और बहुत ही बढ़िया ये रूट है गाइस, ज़रूर से डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बस और क्या बोलूँ गाइस,
कर लेना डाउनलोड। और ये देख सकते हो ये रोड नीचे से, मतलब नीचे से ऊपर आ रहा है ये वाला रोड, और उसके ऊपर से जा रही है हमारी तेजस एक्सप्रेस इनलेट WDP-4B भगत की कोटी। तो देख ले गाइस, एक ही सांस में मैंने पूरा बता दिया आपको ट्रेन की इन्फॉर्मेशन। और ये इंटीरियर व्यू देख सकते हो गाइस, ये टैबलेट। और गाइस ये स्टेशन गाइस शायद से बहुत बड़ा स्टेशन है, क्योंकि तीन तीन लूप लाइन यहाँ पर से निकल चुकी है और यहीं पर हमारी ट्रेन का डेस्टिनेशन होने वाला है। लेकिन गाइस ये असल में गाइस ये बहुत बड़ा रूट है। अगर आपको इस रूट का पूरा डिटेल गेम प्ले चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बता देना गाइस, मैं ज़रूर वो गेम प्ले लेके आऊँगा, एकदम डिटेल गेम प्ले लेके आऊँगा गाइस आप सभी के लिए। और यहाँ पर देख सकते हो अभी हमने मतलब आ चुके हैं स्टेशन के अंदर, स्टेशन पर आ चुके हैं। यहाँ पर कोई शेड नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम ओपन स्टेशन है। शायद गांव के बीचों बीच ये स्टेशन बनाया है, इसके लिए अभी यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे ये डेवलपमेंट हो जाएगा और शेड वगैरह सब ऐड हो जाएंगे। तो वैसे अभी हम ब्रेक्स को कर लेते हैं अप्लाई, क्योंकि आगे हमको स्टॉप है, तो इसके लिए कैसे अभी हम ब्रेक्स को कर रहे हैं अप्लाई। और यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेक्स को हमने अप्लाई कर लिया है, तो यहाँ पर अभी हमारी ट्रेन रुक जाएगी। तो गाइस फाइनली हमारी ये रूट पर ये वाली तेजस एक्सप्रेस की जर्नी हो चुकी है सक्सेसफुली कंप्लीट, कुछ भी डिरेलमेंट नहीं हुआ है और 101% के साथ हमारी ये तेजस एक्सप्रेस की सुपर HD रूट पर सुपर HD जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो यार WDP-4B ने इतना बढ़िया पुलिंग किया है, और पुलिंग किया है कि क्या ही बताऊँ, इतना बढ़िया जर्नी तेजस एक्सप्रेस की है। तो गाइस आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बता देना गाइस, और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को लाइक कर देना गाइस। तो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।